गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 6.3 करी थी, जिसमें हमने रिडक्शन ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन करी थी टू कैनोनिकल फॉर्म। एंड आज हम रिडक्शन ऑफ इलिप्टिक इक्वेशन करेंगे टू दी कैनोनिकल फॉर्म। इस बुक में जो जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका हायर एजुकेशन एंड नेट में बहुत यूज़ है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आप स्टेप बताओ कि इक्वेशन हाइपरबोलिक है, इक्वेशन पैराबोलिक है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो इसका हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है रिड्यूस, क्या हमने लास्ट लेक्चर में प्रोसीजर पढ़ा था कि स्टेप्स होते हैं कुछ इसमें, जिसमें हम गिवन इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं कैनोनिकल फॉर्म में। स्टेप्स सेम रहेंगे, सिर्फ जब हम लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फंक्शंस लेट करते हैं वहाँ थोड़ा फ़र्क आता है। तो हाइपरबोलिक में क्या होता था, हमने एक फॉर्मूला कि एस स्केयर माइनस 4RT पर डिपेंड करती थी कि इक्वेशन हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है। तो पहला स्टेप वही रहेगा, चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन आपकी हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है। स्टेप नंबर फर्स्ट देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये कर रखा है RS प्लस में SS प्लस में TT प्लस में F ऑफ दिस। जो स्मॉल r होता है वो करली टू जेड करली एक्स स्केयर होता है, स्मॉल s जो होता है वो करली टू जेड करली एक्स करली वाई होता है, जो स्मॉल t होता है वो करली टू जेड करली वाई स्केयर होता है, और विज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू होती है। जो स्टैंडर्ड जो इसका प्रिंसिपल पार्ट होता है हम उसका यूज़ करते हैं टू फाइंड चेक आउट द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक। s कितना है, s इसमें है -4, r कितना है 1 है, इसका कोफिशियंट t कितना है 13 है। एस स्केयर माइनस 4RT निकाला, वो कितना आया -36 लेस देन 0, देन गिवन इक्वेशन क्या है आपकी इलिप्टिक है। इलिप्टिक है तो यहाँ से पता लग गया कि आपके पास 2 करेक्टरिस्टिक्स रूट आएंगे, लेकिन दोनों कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। जब हाइपरबोलिक होता था तो 2 रूट आते थे, डिस्टिंक्ट और रियल आते थे। जब पैराबोलिक होता था तो 1 रूट आता था, जो वो कैसा आता था, रियल होता था। अब हाइपरबोलिक में क्या होगा, सॉरी अब इलिप्टिक में क्या होगा, इमेजिनरी आएंगे। तो सब सम फेस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही सेम प्रोसीजर है, आर एस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू निकालते थे, क्या आए रूट, कॉन्जुकेट कॉम्प्लेक्स आए। कॉन्जुकेट कॉम्प्लेक्स मतलब कि क्या आए, एक 2 प्लस पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला आया, पेयर में आए। फिर हम क्या करते थे, एक को लैम्डा 1 मान लेते थे और दूसरे को लैम्डा 2 मान लेते थे। टू ऑब्टेन यू एंड वी कंसीडर द इक्वेशन, फिर हमने क्या निकालना होता था, यू एंड वी लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शंस निकालने होते थे। तो dy by dx प्लस लैम्डा 1 वही सेम प्रोसीजर रहेगा। यहाँ से हमने इसको सोल्व करा, इंटीग्रेशन करा, एक फैक्टर हमारा u आ गया और ये। अब यहाँ तक तो स्टेप सेम थे, वही सेम u और v फंक्शन। अब जो फ़र्क आता है वो यहाँ से आता है, जो मेन स्टेप चेंज होता है वो इस पार्ट से होता है। देखो अब इसमें क्या आया, इसमें रियल पार्ट भी आया और इमेजिनरी पार्ट भी आया। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। सेम ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो जो u, आपने इसको किस फॉर्म में लेट करना होता है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपने इसको किस फॉर्म में लेट करना होता है, अल्फा प्लस में आयोटा बीटा। जो रियल पार्ट होता है उसको आप अल्फा लेट करते हो, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको आप बीटा लेट करते हो। तो एक रूट बन गया अल्फा प्लस आयोटा भी, और एक बन गया आपका अल्फा माइनस आयोटा भी, क्योंकि कॉन्जुकेट कॉम्प्लेक्स होते हैं रूट्स। तो क्या होगा, अल्फा भी जो दोनों का सेम होगा और बीटा भी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, वाई प्लस 2x, बीटा की वैल्यू कितनी आई, 3x। 2 न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए। अब क्या होता है, वही लास्ट काम और सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या जो जो आपको इक्वेशन में चाहिए होता है, क्या क्या चाहिए। यहाँ से आपको क्या चाहिए, R चाहिए, यहाँ से आपको S चाहिए, यहाँ से आपको T चाहिए, यहाँ से आपको Q चाहिए। तो आपको इन सबको फाइंड आउट करना होगा, वही सेम प्रोसीजर फाइंड आउट करना है। देखो आपको पी क्यू आर एस टी इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, डैट इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। क्या हुआ यहाँ, क्या होता है कि इसमें जैसे एक्स वाई किसके फंक्शन है, एक्स पी क्यू आर एस टी किसके फंक्शन है, यू वी के, और यू वी किसके फर्दर फंक्शन हमने कर दिया, अल्फा बीटा के। तो देखो पी क्या होगा, पी करली जेड बाई करली एक्स, करली जेड बाई करली अल्फा, करली अल्फा प्लस करली एक्स, प्लस करली जेड बाई करली बीटा, करली बीटा बाय करली एक्स, क्योंकि यू और वी किसके फर्दर फंक्शन डिवाइड कर दिए हमने, अल्फा बीटा के। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ बीटा की वैल्यू पुट कर दी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, देन वाई एज अ कॉन्स्टेंट, दिस एज इट इज, वाई का 0, 2x का 2,
प्लस ये वाला एज इट इज, इसका 3x का 3 एंड दिस एज 3, फिर क्या निकालोगे q, क्या होता है कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, जेड इज द फंक्शन ऑफ पी क्यू आर सॉरी यू एंड वी, पी क्यू आर एस टी इज द फंक्शन ऑफ यू वी, यू वी इज द फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा, तो कर्ली जेड बाई कर्ली अल्फा, कर्ली अल्फा बाई कर्ली वाई, प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली बीटा, कर्ली बीटा बाई कर्ली वाई, वही सेम स्टेप लगाए। फिर हम क्या करते थे, वही सेम, ये क्या आता था कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, ये क्या आता था कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, फिर हम इसको क्या लिख देते थे जो हमें चाहिए होता था कर्ली बाई कर्ली वाई, ये चीज लिख देते थे। ये क्यों करा, क्योंकि हमें एस फाइंड आउट करना है, एस के लिए दिस, अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो और इसकी वैल्यू, कर्ली बाई कर्ली वाई की वैल्यू कितनी यहाँ रखी है, कर्ली बाई कर्ली अल्फा वैल्यू पुट करी, कर्ली जेड बाई इसकी वैल्यू अलग अलग करोगे, यहाँ से क्या आ गया आपका एस, फिर क्या निकालोगे आर, कर्ली टू जेड कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ली बाई कर्ली एक्स दिस, फिर वही सेम यहाँ से इसकी वैल्यू, ये अब देखो ये चीज़ एज इट इज़ ये चीज़ रखी, फिर इसको अलग अलग कर दिया। अब इसको ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ अब यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करी है आपके पास, ये है कर्ली बाई कर्ली एक्स की इंटू में टू, फिर यहाँ क्या करा कर्ली बाय कर्ली एक्स एज इट इज, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स की वैल्यू पुट करी। हेयर एक्स किसका फंक्शन था, हमें पता था कि एक्स को फिर किसमें करेंगे, यू और अल्फा और बीटा में, फिर पहले इसको अलग अलग करा, फिर एक्स की जगह क्या लिखो कर्ली बाय कर्ली अल्फा, कर्ली अल्फा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा, डिवाइड मल्टीप्लाई करा दिस करा, फिर सेम यही चीज करी इस वाले पार्ट में भी, बीटा सॉरी कर्ली बाय कर्ली एक्स की जगह जैसे हमने इसमें स्टेप लगाया था कि कर्ली बाय कर्ली एक्स होता है उसको क्या लिखते हो कर्ली जेड बाय कर्ली अल्फा, क्योंकि जो ये फंक्शन है अल्फा किसकी फंक्शन है एक्स और वाई का, जैसे क्या था पी क्यू आर एस इन टर्म्स ऑफ यूवी और यूवी किसकी टर्म्स में थे अल्फा बीटा का, सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा क्या लेना है आपने। फिर कर्ली जेड बाई कर्ली अल्फा, कर्ली अल्फा बाई कर्ली एक्स, प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली बीटा बाई कर्ली एक्स, सेम यही चीज़ करी है, इसको डिवाइड कर दिया, फिर क्या करा इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट टू वाई कॉन्स्टेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसको सोल्व करा, फिर क्या निकाला टी निकाला, टी में वैल्यूज पता है आप इसमें फाइंड आउट करोगे, फिर क्या करते हो लास्ट स्टेप सबकी वैल्यू को पुट कर देते हो और क्या आ जाता है आपका, आपका सॉल्यूशन आपकी कैनोनिकल फॉर्म आ जाती है। कई क्वेश्चंस में कैनोनिकल फॉर्म पूछी होगी, कई क्वेश्चन में आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा होगा, ये क्या आई इसकी रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म आएगी वो किसकी फॉर्म में आती है अल्फा और बीटा की, जो आप नए वेरिएबल्स को लेट करते हो उसकी फॉर्म में आती है, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज होगा, पैराबोलिक होगा, रूट्स फाइंड आउट करोगे, फिर वही सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नए इंडिपेंडेंट्स अल्फा और बीटा की वैल्यू में लोगे, फिर क्या निकालोगे पी क्यू आर एस टी जैसे आप करते हो सेम वही, फिर आप इसके सॉल्यूशंस में रखोगे। तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे मैंने फर्स्ट करवाया है, तो आप इसको ट्राई करना। थैंक यू।